ये हमारी क्लासेस 5 सेशंस हमारे इसमें होंगे, ठीक है। तो हमारे साथ पूनम स्वामी जी हैं। पूनम जी नमस्ते, आप अपने हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तो पूनम स्वामी जी जयपुर से हैं आप, और आप ऑलरेडी ज्योतिष काफी वर्षों से कर रही हैं और के ऑफलाइन क्लासेस ये भी कंडक्ट करती हैं, ठीक है। तो ज्योतिष का इतना अच्छा अनुभव है तो ये भी हमारे साथ ही क्लासेस लेंगी। तो 5 दिन के सेशन में मैं आपको कोर्स कंटेंट में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हम क्या क्या कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग ज्योतिष के बेसिक्स हम लोग इसमें करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पंचांग से पहले, ठीक है। पंचांग हम लोग पहले करेंगे, बेसिक्स ऑफ पंचांग, फिर आपको प्लैनेट्स के बारे में, हाउसेस एंड राशियां, ठीक है। ये 4 चीजें हम लोग इसमें मेजरली हम लोग कवर करेंगे इन 5 दिनों में। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 6th क्लास भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हमारे रहेंगे, पंचांग, प्लैनेट्स, हाउसेस एंड राशियां। कुछ आपको प्रेडिक्टिव टेक्निक्स हम लोग देंगे इसी इन्हीं सेशंस में, ताकि थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप प्रैक्टिस आप शुरू कर पाए। और कुछ सर आपको टिप्स, पढ़ाते हैं क्या? नहीं। हाँ सर तो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो गाइडेंस आप लोगों को दी जाएंगे कि आपको कैसे ज्योतिष में स्टार्ट करना है। कुछ बुक्स आपको मैं रिकमेंड करूँगा इन सेशंस में, जो आप लोग एटलीस्ट स्टार्ट आप करेंगे, ठीक है। तो आप में से कोई है जो ज्योतिष इसने अभी रिसेंटली शुरू किया है पढ़ना? कोई ऐसा कोई स्टूडेंट हैंड रेस कर सकता है? अंकुर जी, हाँ तो यस सर। आप ओके, ज्योतिरादित्य दास आपने किया है। अंकुर गुप्ता जी आपने भी हैंड रेस किया था, तो आप अनम्यूट अनम्यूट करेंगे एक बार। तो जब हैंड रेस करने के लिए हम बोलेंगे ना, तो हैंड रेस ऐसे नहीं करना, आप स्क्रीन पे करेंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा, ठीक जी है। जी जी तो यहाँ सर। पर जूम में देखो ऑप्शन है, अभी देख रहे हैं, राशि पीर इनका नाम है, इन्होंने भी हैंड रेस किया है, तो ऐसे हमें दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। जी ठीक है अंकुर जी, आपने अभी रिसेंट आप क्या पढ़ रहे हैं ज्योतिष में? आपने क्या ज्योतिष में क्यों इंटरेस्ट है आपको? ज्योतिष में कोई मेरे को एक्चुअली अपने पुराने जितने भी साइंस है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ। इनिशियली शुरुआत भगवत गीता से की थी मैंने, उसके अच्छा बाद जी, में फिर थोड़ा ज्योतिष में कुछ मतलब कह सकते हैं मैंने खुद के लिए पढ़ना शुरू किया था, कुछ सिचुएशन के हिसाब से, तब फिर समझ आने लगी, तो थोड़ा उससे उसको मैंने फिर पराशर होरा शास्त्र को भी पढ़ा था, पर मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ क्योंकि वो संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश तीनों में पढ़ रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा थोड़ा चलिए मैं समझ सकूँ। पर अभी अच्छी बात कोरिलेट है। करने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वो उसमें बेसिकली यही है कि आपको हर पॉइंट के ऊपर आपको बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा जो समझ आया। तो उतना इंटेलेक्ट अभी मेरा डेवलप नहीं हो पाया, बाकी मैं पढ़ तो रहा ही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, ताकि थैंक और हमारी क्लास तो शायद आपके लिए काम आए, और इसको आगे फिर आप फर्दर स्टडी करो, ठीक है। ये जी। हमारे विशेज हैं। और राशि जी ने भी हैंड रेस किया था, तो ये भी अभी इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है। चलिए ठीक है, तो और भी काफ़ी बच्चे हैं जो उन्होंने स्टार्ट किया है, अभी मान के चलते हैं, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, शॉर्ट कोर्स कंटेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, पूरा ज्योतिष आप चाहे 4 साल कर लो, चाहे 10 साल कर लो, ये जो हम अभी जो पढ़ेंगे है ना, यही आपके काम आने वाली है। जब आप प्रेडिक्शंस पे आप उतरेंगे, तो वहां पर आपकी प्लैनेट्स, राशियां और हाउसेस, साथ में जो पंचांग के एलिमेंट्स हम लोग आज समझेंगे, यही आपके प्रिडिक्शंस में काम आएंगी। जितनी मास्टरी आपकी इन इन सब्जेक्ट्स पे होगा, इन कोर सब्जेक्ट्स पे जो हम 5 दिन में कवर करने वाले हैं, है ना, यही आपको प्रिडिक्शंस में काम आएंगी। एडवांस टेक्निक्स काफ़ी सारी होती हैं, बट उन एडवांस टेक्निक्स का बेस भी यही है, बस समझ में आ रही है सबके, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझेंगे, है ना, और करना शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं छोटा सा आप लोग को ना असाइनमेंट पहले दे देता हूं कल की क्लास के लिए, ठीक है। क्लास अभी हमने स्टार्ट नहीं करी, बट असाइनमेंट पहले से आप लोग नोट कर लेना।
आप ज्योतिष बिगनर हैं, ज्योतिष हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ना आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि हम जब भी ज्योतिष पढ़ने बैठेंगे तो पहले हम लोग गुरु वंदना के साथ शुरू करेंगे, करेक्ट? गुरु पूजन या आप गणेश जी के स्तोत्र, वैसे साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ज्योतिष आप जो पढ़ रहे हैं, ये ज्योतिष के ना 18 प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक मतलब ऋषि मुनियों से जो हमें ज्ञान मिला है ना, तो ऐसे 18 मेजर ऋषि या ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ज्योतिष हमें आज हम लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है? पास ऑन जो हुआ है नॉलेज, ऐसे 18 लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है मेजर, ठीक है? तो जो आसान आसान नाम है ना वो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है? आपने महर्षि भृगु का नाम सुना होगा, ठीक है? भृगु ज्योतिष के नाम से बड़ा फेमस है, ठीक है? ये सब जानते हैं, महर्षि भृगु हो गए, महर्षि गर्ग या गर्गाचार्य भी इनको बोला जाता है, ठीक है? तो ये नारद जी का नाम आपने सुना होगा ना, जनरली नारद जी का नाम लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं कि नारद जी वो हैं जो कम्युनिकेटर हैं ना, झगड़े लगाते हैं बीच में, बट ऐसा नहीं है। आप हमारी वैदिक विद्या में कोई भी विद्या का आप नाम लीजिए, वहां नारद जी का कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। और ज्योतिष के जो प्रमुख जो लोग हैं, जो प्रवर्तक जिनसे नॉलेज फ्लो होता है, उनमें से नारद जी का नाम सबसे ऊपर है, ठीक है? महर्षि नारद हो गए, महर्षि पराशर का नाम भी सबने सुना होगा, पराशर हो रहे शास्त्र सब बोलते हैं, तो ये भी उन 18 प्रवर्तक में से एक है। कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, महर्षि नारद, महर्षि पराशर, गर्ग, महर्षि गर्ग एंड भृगु ऋषि, ठीक है? ये आसान थे, सबको पता है, ये मैंने नाम बता दिए। इसके अलावा जो 18 में से जो बाकी ऋषियों के नाम है ना, वो आप लोग ढूंढेंगे और कल क्लास में बताइएगा, ठीक है? थोड़ा सा R&D करेंगे इस पे, नेट पे ढूंढने में सब मिलता है, एक लाइन में आपको मिल जाएगा, बट एटलीस्ट इस बहाने कम से कम आप पढ़ोगे तो सही इनके बारे में, ठीक है? ग्रह नक्षत्र तो बाद की बात है, पहले इन ऋषियों का एटलीस्ट आप लोग नाम पता हो, ठीक है? मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको ये ज्योतिष जो विद्या है ना, इसमें ज्योति की विद्या बोलते हैं। इसकी एक और खासियत ये है कि जब आप ऋषियों के नाम भी अगर आपको पता है, आप इस नॉलेज को पढ़ने से पहले उन 18 लोगों के नाम भी आप बोलते हो ना, वो भी एक गुरु वंदना होती है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको गुरु पूजन नहीं आता कोई इशू नहीं है, पर 18 लोगों के नाम एटलीस्ट आप उनको रिकॉल करें, आप ग्रह नक्षत्रों की विद्या जल्दी फलित होगी आपको, ठीक है? तो असाइनमेंट ये है कि इन 4 ऋषियों के अलावा बाकी 14 जो हैं 18 प्रवर्तक में से, ये आप सिस्टमेटिक सीक्वेंस वाइज अपने नोटबुक में नोट करें सब लोग, ठीक है? फर्स्ट पन्ने पे, उसके बाद ज्योतिष की बाकी सारी चीजें नेक्स्ट पन्ने से आप शुरू कर लें। और जब भी ज्योतिष पढ़ने बैठेंगे, पहले इन 18 ज्योतिष 18 प्रवर्तकों के नाम लेंगे वर्बली, ठीक है? मुंह खोल के, मेंटली नहीं, वर्बली। उसके बाद आप अपनी ज्योतिष की जो भी चीजें आप कर रहे हो, क्लियर है सबको? इट्स अ काइंड ऑफ अ गुरु पूजन जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक? अब इसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पंचांग, जो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है? पंचांग देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसके ऊपर ना कोई आपको मार्केट में ऐसा कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, सिस्टमेटिक बुक। आप जब BPHS, अभी अंकुर जी ने नाम लिया कि उन्होंने भरत पराशर शास्त्र पढ़ना शुरू किया है और वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, तो पूरा कंप्लीट कोई नहीं करता है, ठीक है? क्लास में शायद हम में से मैं भी, शायद मैंने भी पूरी नहीं कंप्लीट करी होगी, तो वो नहीं हो पाता है पूरा, ठीक है? पढ़ना ही नहीं, पढ़ के उसको समझना, उस पर अध्ययन करना एक अलग बात है ना? तो ये BPHS का नाम इतना फेमस, सभी को लगता है ना कि इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है। हाँ सब कुछ दिया है, बट पंचांग नहीं मिलेगा इसमें आपको, ठीक है? ज्योतिष में कोई भी जो क्लासिकल बुक्स हैं अवेलेबल, उसमें कहीं भी पंचांग आपको नहीं मिलता है, ठीक है? मुहूर्त शास्त्र एक ब्रांच है मुहूर्त ज्योतिष में, अभी आगे हम बात करेंगे इस पर, ठीक है ना? कितने सिस्टम्स हैं, क्या है क्या, तो उसमें मुहूर्त एक ब्रांच है। तो मुहूर्त में आपको पंचांग का यूजेस आपको मिलेंगे, ठीक है? वहां आपको नक्षत्र का जिक्र मिलेगा, तिथियों का आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा, बट पंचांग का जो एप्लीकेशन आपको आज हम क्लास में बताएंगे, अब जब पूनम जी आपको समझाएंगी तब,
वो चीज आपको उस तरीके से बुक्स में शायद ना मिले, ठीक है ना। तो इसलिए ये बुक्स में नहीं है तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो पंचांग में, पंचांग जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, पंच अंग है ना, जिसमें 5 अंगों के बारे में बात हो रही है। तो उनमें से एक अंग हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है। तो अभी क्लास आगे पूनम जी कंटिन्यू करेंगी मेरे पास, तो वो आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह बाकी देंगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्लास कोई इंटरप्शन ना हो, पहले आप समझो जो पूनम जी समझाना चाह रही हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग Q&A सेशन आखिरी में रखेंगे, क्लियर, ठीक है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, कुछ पूछना चाहता है कोई, जरा मैंने अभी चीजें बताई हैं तो अभी पूछ लीजिए, पूछने लायक ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मन में कोई डाउट है किसी कुछ, ठीक ठीक है पूनम जी। धन्यवाद विनायक सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी क्लियर सर ने जैसे बहुत अच्छे से बता दिया है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं पंचांग। पंचांग को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ मुहूर्त के लिए यूज किया जा रहा है आजकल। सिर्फ मुहूर्त में कैसे हम अपने निकालते हैं उनमें मुहूर्त, उसमें यूज किया जा रहा है, लेकिन उसको हम प्रिडिक्शन में भी यूज कर सकते हैं। उसका बेसिक लेवल है, बहुत इजी लेवल है जिसको हम समझ सकते हैं, उसको प्रिडिक्शन में यूज किया जा सकता है। तो आज हम वही सीखेंगे कि हम प्रिडिक्शन में उसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला, सर ने जैसे बताया पंचांग है क्या, तो पंचांग को पंचांग के नाम से ही आप, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ यहाँ पर अपनी, उसके साथ ही हम उसके साथ समझते हैं कि उसको कैसे समझा जाता है। मेरी स्क्रीन आपको सबको दिख रही है? ठीक हाँ जी पूनम जी, दिख रही है, प्लीज कंटिन्यू करें। तो पंचांग, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पंचांग होता क्या है। पंचांग एक संस्कृत वर्ड है जिसके दो विभाजन कर दिए गए हैं, पंचा प्लस अंगा, जैसे हम संधि विच्छेद करते थे पहले उसके जिस। पूनम जी, आप इसमें एक कार्ड को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, हाँ जी, एक सेकेंड। अब ठीक हाँ है? ठीक आप ठीक है। है। तो पंचांग स्पेशली एक संस्कृत का वर्ड है जिसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, संधि विच्छेद जिसको बोलते हैं, पंच प्लस अंगा। मतलब पंचांग के 5 पार्ट हैं जिसमें से एक पार्ट को हम आज समझेंगे। टाइम को ही 5 पार्ट में विभाजित कर दिया गया है उसको कैलकुलेट करके यूज करने के लिए। बेसिकली पंचांग यही होता है और हम उसको जनरली यूज नहीं करते हैं प्रिडिक्शंस में, सिर्फ मुहूर्त के लिए यूज करते हैं। तो पंचांग के 5 पार्ट्स हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। तो हम इन सबको हम धीरे धीरे समझेंगे इन 5 दिनों में, और इनको कैसे हम एक कुंडली में लगा के प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं उसको भी देखना चाहेंगे। तो पंचांग जो है उसमें 5 अंग मैंने यहाँ पे बता दिए ये, और ये सभी अलग अलग तत्वों में विभाजित हैं। जैसे हमारा शरीर एक पंचभूत है, पंच तत्वों से बना है, और हमारे शरीर में उस पंच तत्वों को हम कुंडली से, पंचांग से देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट शुभ है या कौन सा पार्ट ज्यादा है हमारे अंदर पंच एलिमेंट में, उसमें से ही एक पंचांग का हम लोग देखते हैं। एक सेकंड सर, ये मूव नहीं कर रही है आगे। वो करेगा ना आप उसमें, हाँ Yes. तो पंचांग में हमने, मैंने पहले आपको बताया कि तिथि 5 एलिमेंट में डिवाइड है, और ये 5 एलिमेंट हमारे शरीर में भी है, पूरी की पूरी धरती एलिमेंट से ही बनी है, इन तत्वों से ही बनी है। तो पंचांग के अंदर ये तत्व हम ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा तत्व ज्यादा है, या कौन सा तत्व शुभ है, कौन सा अशुभ है, या कितना परसेंट हमारे अंदर वो है। तो उसी में से हम पंचांग में इसको देखते हैं। तो पहला तिथि जिसको जल तत्व कहा गया है, दूसरा वार जिसको अग्नि तत्व कहा गया है, तीसरा नक्षत्र जिसको वायु तत्व कहा गया है, चौथा करण जिसको भूमि तत्व कहा गया है, और पांचवा योग जिसको आकाश तत्व, आकाश में सभी तत्व आते हैं। तो जब हम योग को पढ़ते हैं और योग की प्रिडिक्शन निकालते हैं तो वो एक प्रिडिक्शन
डिफरेंट लेवल आ जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें पांचों तत्व आते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि तिथि होती क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम पहला पार्ट आज समझने जा रहे हैं इसका, पंचांग का, तिथि होती क्या है। तिथि हमारा जो चंद्रमास है, जो पूर्णिमा से पूर्णिमा चलता है, उस 30 दिन को तिथि काउंट किया बोला जाता है। तिथि बोलते हैं हम लोग कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह से वो तिथि है जो चंद्रमास पूर्णिमा से पूर्णिमा बनता है। सोलर मास संक्रांति से संक्रांति बनता है, लेकिन चंद्रमास यहाँ से, चंद्रमा की पूर्णिमा से पूर्णिमा बनता है। ये हमारी, हम अगर एक कुंडली में लगा के समझे तो सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है, उनके जो डिफरेंस से जो बनती है, वो तिथि बनती है। अगर सूर्य चंद्रमा हमारी कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो अमावस्या है, और सूर्य चंद्रमा एकदम सम सप्तम एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो पूर्णिमा है। उसी रोटेशन में वो जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे तिथि का निर्माण होता है। जैसे तो तिथि प्रतिपदा, अगर अमावस से थोड़ा सा आगे चली तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे ऐसे तिथियां बनती है। तो उसी तरह से हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बनता है। अमावस्या के बाद हमारा शुक्ल पक्ष बनता है, उसमें 15 तिथियां हैं, और कृतिका उसके बाद पूर्णिमा के बाद हमारा कृष्ण पक्ष बनता है, उसमें भी हमारी 15 तिथियां हैं। ये सब एक जनरल चीज है जो हम सबको पता होती है, लेकिन मेन चीज है कि हम लोग इनको पढ़ते कैसे हैं। तो सभी जितनी भी तिथियां हैं, जितनी भी तिथियां, 30 तिथियां जिनको बोलते हैं, नेचुरल 30 लूनर डे होते हैं तो 30 तिथियां बोली जाती हैं, लेकिन उनके नाम 15 पूर्णिमा तक 15, और 30वीं तिथि अमावस्या को बोला जाता है। बाकी सबके नाम सेम है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। ये सिंपल हमारी जो शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां होती है। लेकिन मेन जो चीज हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, ये देखने के लिए कि हम उनको आज कुंडली में लगाएंगे कैसे, सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ मुहूर्त देखेंगे कि मुहूर्त में उसको कैसे यूज करेंगे। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे बॉडी का जो जल तत्व है, जल तत्व हमारे इमोशंस दिखाता है, हम लोग कैसे किसी चीज को समझ पाते हैं और कैसे किसी चीज से सेटिस्फाई हो पाते हैं, वो जल तत्व दिखाता है। तो जल तत्व हमारी कुंडली में कैसे बिहेव कर रहा है वो हम आज समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हर तिथि को, हमारे जो नवग्रह हैं उनमें से केतु को छोड़ के बाकी अष्ट ग्रह को, सभी एक तिथि को एक ग्रह उसका स्वामी बनाया गया है, जो मैंने इसमें आपको दिखाया है। सूर्य से लेकर 8 ग्रह को दिया गया, तो अष्टमी तक राहु है, फिर वापिस वो काउंट होता है नवमी से, फिर सूर्य, चंद्रमा, और फिर पूर्णिमा में आते हैं हमारे शनि वापिस, और अमावस्या के लिए राहु। तो 8 ग्रहों को हमारी ये लॉर्डशिप दी गई है, केतु को इसमें कोई लॉर्डशिप नहीं दी गई है। इन लॉर्डशिप को हमें याद करना होगा, मतलब हमें समझना चाहिए कि षष्ठी है तो वीनस है, शुक्र है, ये हमें याद रखना चाहिए। और ये याद रखना इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि हमारे जो वीक डेज होते हैं, जो हमारे उसी हिसाब से इनका एक सीक्वेंस चलता है। सोमवार का जैसे रविवार सूर्य, सोमवार है ना चंद्रमा, वही सीक्वेंस चलता है, उस सीक्वेंस से हम इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तिथि, मैंने आपको ये बोला कि तिथि मतलब हम उसको क्या क्या देखते हैं तिथि से। नेचुरल है तिथि, जब भी कभी भी तिथि बनती है तो सूर्य और चंद्रमा के रिलेशनशिप से बनती है, उनकी दूरी से बनती है। उसका कैलकुलेट करने का तरीका भी यही है कि सूर्य के हम जितना उसने कवर किया है कुंडली के अंदर समय, उसका भोगांश जिसको बोलते हैं, डिग्री बोल दो आप, उसका लॉन्गिट्यूड बोलो, कुछ भी बोल लो आप, उसको चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड से माइनस कर दिया जाता है सूर्य के, और फिर एक तिथि का निर्माण होता है। तो वो एक कैलकुलेशन का पार्ट है, उसको हम अभी साइड पे रखेंगे, लेकिन बनता तो सूर्य और चंद्रमा के रिलेशन से है ना, उनकी दूरी से बनता है, तो इसलिए वो जल तत्व को गवर्न करता है वो। तो आप देख लीजिए, इससे हम रिलेशनशिप्स देखते हैं, जनरली इससे हम सारे रिलेशनशिप्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिज देखते हैं, क्योंकि तो हमारा किसी से भी रिलेशन बनता है तो इमोशनल बॉन्ड पे बनता है, बिना इमोशन के कोई रिलेशनशिप है नहीं है। लेकिन मैरिज को इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा दिखाया है कि हम लोगों के पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा मैरिज से रिलेटेड आते हैं, तो हम एक उस फील्ड में इसको काम करके भी अपना एक निकाल सकते हैं प्रिडिक्शन उसके में। और इमोशनल हेल्थ दिखाता है, आप कितने इमोशनली स्ट्रोंग है वो आप सबको पता है कि हम चंद्रमा से देखते हैं, और चंद्रमा तिथि निर्माण करता है, उसमें से हम किसी की इमोशनल हेल्थ भी देख सकते हैं तिथि से। और मेंटल सेटिस्फेक्शन तो देखी ही जाती है, जब तक हम किसी भी चीज को करते हैं
चाहे खुश होके करें चाहे ना खुश होके करें, लेकिन जब तक हम सेटिस्फाई नहीं है उस काम से तो हम उस काम को खुश नहीं होते, ठीक है। तो वो मेंटल सेटिस्फिकेशन भी हमें तिथि दिखाती है, ठीक है। तो सबसे पहले, ज्यादा लंबा है कोई भी ये टॉपिक, एक एक लेवल पे लिया गया है, इसको समझाने से पहले और इसको होरोस्कोप पे लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जब भी किसी भी सूत्र के बारे में बात करते हैं, आप एडवांस लेवल ले लीजिए, आप बेसिक लेवल ले लीजिए, कोई भी सूत्र लगाने से पहले बहुत सारे चार्ट पे जब हम उनको आप लगा के नहीं देख लेते हैं, ठीक है। और कभी भी किसी भी बुक में कुछ लिखा गया है या मैं पढ़ाती हूँ, कभी भी एक पत्थर की लकीर नहीं होता है, वो हमारी प्रिडिक्शन से उसका, हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हमें समझ आता है कि वो काम कैसे कर रहा है। काम करने का तरीका हर एक का अपना है, और चार्ट देखने का, कुंडली देखने का तरीका भी हर एक इंसान का अपना अलग है, और हमें बनाना पड़ता है वो तरीका कि हम कैसे प्रिडिक्शन निकालेंगे। इसी में से तिथि एक सिंपल एक पॉइंट है कि आप ऐसे एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसके साथ हम बहुत सारे पॉइंट आगे सीखेंगे, उनको भी लगाएंगे, ठीक है। कभी भी एक सूत्र से या एक ग्रह से या एक चीज से आप पूरा प्रिडिक्शन नहीं निकाल सकते, ये बस ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर तिथि में काफी बार, तिथि कब काम करती है, हमारा पंचांग कब काम करता है, पूरा का पूरा पंचांग सूर्य और चंद्रमा से बनता है, तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो ये सूत्र अपने आप लग जाते हैं, और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी नहीं है तो ये नहीं लगते हैं। तो इसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक पीछे दिखाया कि हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम तिथि का स्वामी कौन है, और हमारी, क्योंकि पंचांग हर एक, आज आज सुबह आप पढ़ते हैं कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर में आता है कि आज का पंचांग ये है, सबका लिखा हुआ होता है कि आज का पंचांग ये है। इसी तरह से हम लोगों का भी पर्सनल पंचांग होता है, जिस दिन हम जन्म लिया है हमने, क्योंकि हमारा पंचांग उस दिन भी तिथि होगी, उस दिन भी कोई वार होगा, उस दिन भी कोई नक्षत्र होगा, तो हम लोगों का भी एक पंचांग होता है जिससे हम अपना निकाल सकते हैं कि हम लोग कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए और उसको प्रैक्टिकल में देखने से पहले हम कुछ चीजें हम समझ सकते हैं कि सिर्फ पंचांग को ये समझना कि तिथि लोड को देखा या तिथि का स्वामी को देखा और हम उसको प्रिडिक्शन देते, नहीं। बेसिक आपको पता हो नहीं हो, यहाँ पर आज काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट अभी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी है, तो मैं एग्जाम्पल भी ऐसे लेके आई हूँ कि आप एक पॉइंट में इसको निकाल सकते हैं, उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन पंचांग को समझना पहले जरूरी है कि पंचांग हम लोगों के सबके, जैसे हम लोग कहते हैं कि इसका तो लगन सेम है, सेम लगन है, सेम राशि है, पर उसका नेचर सेम नहीं है या उसकी प्रिडिक्शन सेम नहीं निकल के आ रही है, सब चीजें अलग अलग काम करती है, लेकिन पंचांग भी इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे हम उसको देखते हैं, ठीक है। नेचर उनसे भी देखा जाता है, तो आज अभी उसको प्रैक्टिकल में हम देख के देखते हैं कि मैं पहले, आप ये देखिए कि आप कुंडली में पंचांग को देखेंगे कहाँ पर। अब नेचुरल हर कोई, तो जो पंचांग पेपर वर्क में जो पंचांग, हर शहर का अपना अलग पंचांग आता है, हर कोई तो वो लेके बैठा नहीं है, और हम लोगों के जब बर्थ हुए तब के पंचांग भी किसी के पास होंगे नहीं, तो हम जिस सॉफ्टवेयर में ये कुंडली बनाते हैं, इसको मैं वापस शेयर कर रही हूँ, जिस भी सॉफ्टवेयर में हम कुंडली बनाते हैं उसमें हम लोगों के पास पंचांग, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, जगन्नाथ भोरा, सबके फोन में, सबके कंप्यूटर में इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा, तो यहाँ पर जो साइट पे आता है वहां पे हमारा पंचांग आता है, आप देख सकते हैं तिथि, वैदिक वीक डे, वैदिक वीक डे अलग होता है जिसको हम सेकंड क्लास में पढ़ाएंगे, नॉर्मल वीक डे जो हमारा बारात को 12 बजे चेंज हो जाता है उससे थोड़ा सा अलग होता है, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, जो मैंने पांच आपको एलिमेंट बताए, पांच पार्ट बताए पंचांग के, वो पांचों के पांचों हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पंचांग में एक अभी सॉफ्टवेयर है तो हमें बहुत ज्यादा आसानी मिल गई है कि तिथि का स्वामी भी हमें यहाँ पे दे दिया जाता है, कि हमें सॉफ्टवेयर बहुत सारी याद नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं तो बहुत सारी चीजें आपको मुझे याद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वो तो है नहीं कि हम बेसिकली सब कैलकुलेट करें, कुंडली बनाएं, कुंडली हाथ से बनाएं, वो सब चीजें नहीं है, हम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है, लेकिन मैं पर्सनली इतना जानती हूँ, मानती भी उस चीज को बहुत अच्छे से और खुद बहुत अच्छी से एक्सपीरियंस करती हूँ कि हम लोगों को जितनी चीजें, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एकदम एकदम साफ तरीके से क्लियर हो ना,
उसको हम बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर, कहीं भी खड़े हुए बिना किसी चीज के भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमने बेसिक क्लियर कर रखा है। कैलकुलेशन पार्ट को मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कोई चीज कैसे देखी जाती है, कैसे बनी जाती है। मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है, आपके पास पंचांग भी नहीं है, और आप कहीं, तिथि तो हम लोगों को नॉर्मल पता होती है, तो आप ये देख के भी पता कर सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है। या नेचर तो आपको जितनी भी बुक्स मिलेंगी पंचांग की, जिन भी बुक्स में पंचांग के बारे में लिखा हुआ है, उन बुक्स में सिर्फ यही लिखा हुआ है षष्ठी तिथि पे किसी का जन्म है तो उसका नेचर ऐसा होगा, प्रतिपदा तिथि पे किसी का जन्म है तो उसका नेचर ऐसा होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। और वो हम कितना याद रख सकते हैं, वो हम धीरे धीरे समझ जाते हैं कि वो इतना याद नहीं रहता है किसी का भी नेचर। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ट कैसे चार्ट में अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये शुक्ला षष्ठी का जन्म है और ये चार्ट है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो आप देख सकते हैं उन शुक्ला षष्ठी के स्वामी बनते हैं वो वीनस बनते हैं, शुक्र बनते हैं। जिनको ये भी नहीं पता कि कुंडली में कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे राशियां देखी जाती हैं, कैसे भाव देखे जाते हैं और कैसे ग्रह की स्ट्रेंथ को देखा जाता है, वो भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक बहुत बेसिक नियम है कि आपके पास जो भी कुंडलियां हैं आप उनको एक नोटबुक पे बनाइए और उनकी तिथियां देखिए। सॉफ्टवेयर में आप तिथि देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, और उनके स्वामी लोड को लिखिए। ये 5 दिन का कोर्स है, इस 5 दिन के कोर्स में आप इतना कर सकते हैं कि आप बेसिक प्रिडिक्शन किसी की भी निकाल सकते हैं, बेसिक प्रिडिक्शंस, इसका मैं आपको कह सकती हूँ। तो इसके लिए आप एक नोटबुक में जितनी भी आपके पास अभी तक कुंडलियां हैं, आपने अपने रिलेटिव्स की ले रखी हैं कुंडलियां, उन कुंडलियों को आप लिखिए। और पहली चीज उसमें ये लिखिए कि उनकी तिथि क्या है। हम लोग सीधा जंप कर जाते हैं कि चंद्र राशि क्या है, लगन क्या है, लग्नेश कहाँ पे गया, हम सीधा जंप यहाँ पे कर जाते हैं और फिर हम यही सोचते रहते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। लेकिन पहले जो पंचांग को पढ़ना जरूरी होता है, जब आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो पंचांग आता है हाथ से बना हुआ पंचांग, उसको पढ़ना सिखाया जाता है। और जितने भी ज्योतिष, पुराने ज्योतिष हैं जो हाथ से आपको कुंडली बना के देते हैं, उसका पहला पेज पे पूरा आपका पंचांग ही लिखा होता है, प्रिडिक्शन नहीं लिखा होता है कि ये इसका ये लगन है, कुछ भी नहीं लिख, पंचांग लिखा होता है, आपकी तिथि ये है, आपका वार ये है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं यूज करते। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट पे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताने जा रही हूँ। तीनों, मैं जितने भी चार्ट आज एग्जाम्पल चार्ट लेके आई हूँ, उसमें जनरली आपको यही देखना है कि उनका तिथि लोड का सिचुएशन क्या है। हम लोगों को इतना तो पता है, इतना तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि राहु और केतु बहुत ज्यादा पापी ग्रह की में आते हैं। ये सर जरूरी नहीं है कि हर चार्ट में आप उनको इसी तरह से लें कि वो खराब ही हैं या खराब ही प्रिडिक्शन देंगे या खराब ही फल देंगे अपने फलित में, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल मैं सिर्फ बेसिक जो लोगों को बिल्कुल बेसिक एस्ट्रोलॉजी में अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया है उनके लिए मैं जो एग्जाम्पल लेके आई हूँ, आप इस चार्ट में देखिए। यहाँ पे मैंने बोला कि मैं तिथि को यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ, रिलेशनशिप और शादी के रिलेशनशिप के लिए मैं यहाँ पे इसको लेके आई हूँ। आप ब्रदर के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, किसी के साथ भी अपने रिलेशनशिप को इससे देख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मैरिज पे ही इसको फोकस करते हैं। तो आप वीनस देख लीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी का जो शुक्र है वो राहु केतु एक्सेस में है, ठीक है, राहु केतु एक्सेस में है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी थी। इसमें ये नहीं आएगा कि मैरिड लाइफ, आप सीधा इस पे कंक्लूजन पे ना आ जाए कि मैरिड लाइफ की लेंथ कितनी थी, मतलब उनके हस्बैंड पहले एक्सपायर हो गए थे, ये सीधा इस पे कंक्लूजन पे मत आइएगा। यहाँ पे मैरिड लाइफ अच्छी बुरी सब कुछ इसके अंदर आते हैं, वो योग और भी है, ऐसा नहीं होता कि एक योग पे आप सारा प्रेडिक्शन दें, वो योग अलग भी है। लेकिन हमको सबसे पहले ये चीज पता लग जाती है कि ये ओवरऑल कैसा हमें रिजल्ट देगा, ठीक है। सीधा किसी, कभी भी किसी भी सूत्र पे एकदम से जंप मत कर जाना कि मेरे चार्ट में ये है या मेरी कुंडली में ये है, पहले उसको कुछ कुंडलियों पे लगा के देखिए कि आपको उससे प्रिडिक्शन कैसे निकल के आ रही है। तो वही चीज हम यहाँ पे इसमें लेके आए हैं कि वीनस शुक्र, उनका तिथि लोड बनता है, शुक्ला षष्ठी की जो तिथि है उनका शुक्र बनता है और वो राहु केतु एक्सेस में है।
तो जब हम किसी सेलिब्रिटी का या किसी फेमस नेटिव का चार्ट लेके आते हैं, वो इसलिए लेके आते हैं कि हमें उनकी मैरिड लाइफ पता होती है या उनके बारे में सब कुछ पता होता है, तो उनके लिए हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। तो आप इस चार्ट में देख के समझ सकते हैं कि ये चार्ट उनका मैरिड लाइफ कैसा रहा, सिर्फ तिथि पर, सिर्फ रिलेशनशिप का आप बोल सकते हैं। सब यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, तो सप्तम, सप्तमी, शुक्र, बहुत सारी चीजें हम शादी के लिए देखते हैं, लेकिन एक पहला पॉइंट सिर्फ पंचांग से हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। षष्ठी तिथि के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन षष्ठी तिथि वाले आप जितने भी फेमस लोग देखेंगे, जितने भी, मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्ट जंप कर जाइए, लेकिन जितने भी फेमस लोग देखेंगे आप, उनकी षष्ठी तिथि आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होता है षष्ठी का, क्यों? क्योंकि वीनस उसका स्वामी है, उसकी वजह से भी। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी ग्रह कुंडली में यहाँ बैठने से, मतलब डायरेक्ट हम प्रिडिक्शन दे दें कि ये यहाँ पे बैठा है इसलिए उनको ये मिला है या ऐसे बैठा है, नहीं। उसकी कंडीशन हम देख रहे हैं कि वो राहु केतु एक्सेस में है, और उसको हमने बहुत क्लियरली, उसको सबको पता है कि उसको कैसे देखेंगे। दूसरा चार्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, ये भी काफी फेमस सिंगर भारत की हैं, श्रीमती लता मंगेशकर। आप उनका चार्ट देख सकते हैं, आप तिथि देखिए पहले, सबसे पहले कृष्णा एकादशी, एकादशी के स्वामी यहाँ पे लिखे हुए हैं मार्स, शुक्ला हो या कृष्णा हो उसका लोग हाँ पूनम जी, मुझे लगता है हो चार्ट चेंज नहीं हुआ शायद। गया ऐसा। एक मिनट, मैं वापिस वहां पे वापिस कर देती हाँ हूँ। अच्छा, आपने चार्ट आपने पहले बना रखे ना, तो इस वजह से आपको दोबारा शेयर करना पड़ेगा। एक सेकेंड से। ये लिए सर, अब हो गया। हाँ हाँ कृष्ण एकादशी। जी सर, कृष्णा एकादशी, चाहे वो शुक्ल एकादशी हो चाहे वो कृष्ण एकादशी हो, स्वामी उनके वही रहेंगे। तो आप यहाँ कृष्णा एकादशी का, हमारे पास मार्स आया है मंगल, अब मंगल की पोजीशन चार्ट में देख लीजिए। अच्छा एक सेकंड, बाकी सबको समझ में आ रहा है कृष्ण एकादशी कहाँ से निकल रहा है? ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कृष्ण एकादशी इन्होंने कैसे बताया, ये दिखाई देता है सबको? ठीक यस सर, है, कोई ऐसा क्लास में है जिसको नहीं समझ यस में सर, आया ये कृष्ण एकादशी ये कहाँ से निकला अभी? ठीक है, आई थिंक सबको पता है। ठीक है, लिखा हुआ अब दिखाई दे कृष्ण, रहा है, हाँ यशपाल जी दिखाई मैं तिथि पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो ना, कृष्णा दे रहा है एकादशी। ना? हाँ, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में आप यूज कीजिए, आप सबका खुद का पंचांग यहाँ पे आता ही आता है। पंचांग के बिना उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम यूज नहीं करते, लेकिन पंचांग के बिना प्रिडिक्शन निकालना भी थोड़ा कमी रह जाती है किसी ना किसी चीज में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कृष्णा एकादशी, कृष्णा एकादशी के मंगल बनते हैं, और मंगल आप फिर देख सकते हैं कि राहु केतु के साथ में। तो लता मंगेशकर जी का आपको सबको पता है कि आजीवन भर वो अनमेरिड थी, अविवाहित थी, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा तिथि का स्वामी कुंडली में कैसा जा रहा है। बहुत सारे इसके दो तीन रूल और हैं, उनको और भी हम अप्लाई करते हैं, लेकिन मेन बेसिक, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ज्यादा डिफिकल्ट ना आपके लिए, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पे हैं, आपको अभी नहीं पता है कि कुंडली को कैसे यूज किया जाता है, इसलिए मैं बेसिक लेवल पे एक सिंपल, सबसे सिंपल जो तरीका है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि कैसे हम तिथि लोड पे प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अच्छा इसमें इसमें पूनम जी ना एक एक काम और कर सकते हैं, इसको अपना वो कर सकते हैं एनोट, मतलब इसको एनोट, मार्क कर सकते हैं मार्क्स के थ्रू। अच्छा ठीक है सर, वो कैसे करना है? इसमें ना आपके स्क्रीन पे एनोटेट करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखो आगे इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक पेंसिल का सिंबल बन के आ रहा होगा, उस पर जब माउस लेके जाएंगे क्लिक करोगे ना तो उसमें रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब ऑप्शन सब मिलेंगे, तो कोई भी आप स्क्वायर को आप ले लीजिए उसमें पर जैसे ड्रैग करोगे जहां भी वहां पर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है सर, हो गया, करती हूँ सर। हाँ तो क्या है ना कि ये बाकी स्टूडेंट इसमें आप समझना कि अभी इसमें इन्होंने कृष्ण एकादशी मार्स इन्होंने लिया, ठीक है मंगल, अभी मंगल को हमको अपने बर्थ चार्ट में चेक करना है। ठीक है, ऐसे रूल्स आपको और आगे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है,
अरे अगर बिगनर हैं तो आपको वो चीज में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पूनम जी ने क्या किया है कि राहु केतु के साथ जो है खाली वो चार्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। बट आपके चार्ट में, बाकी सभी के चार्ट में हमेशा वो राहु केतु के साथ नहीं होंगी, बस समझ में आ रही है। अगर यही मंगल अगर शुक्र के साथ होगा रिजल्ट दूसरा होगा, यही मंगल अगर चंद्रमा के साथ होगा रिजल्ट दूसरा मिलेगा। तो वो हमें अभी डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, उसी उसी चीज की पढ़ाई होती है ज्योतिष में आगे। बट अभी आप लोगों को इसका महत्व समझ आया है, इसलिए हम लोग इसको राहु केतु के साथ अभी जोड़ के बता रहे हैं, क्योंकि राहु केतु नेचुरली हम बोलते हैं कि वो मैलेफिक होता है ना, वो ऐसा प्लैनेट है जो कि स्पॉइल करता है रिजल्ट्स को, ये सबको पता होगा आई थिंक, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने राहु केतु का एग्जाम्पल इसमें लिया है, ठीक है पूरा। क्योंकि जब तक हम लोग राशियों को नहीं समझेंगे, भाव को नहीं समझेंगे, ग्रह को नहीं समझेंगे, अगर मैं किसी और एग्जाम्पल को यहाँ पे ले लेती हूँ, उनकी अगर मेडलेस अच्छी है या बुरी है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी एक दिन के अंदर कि वो क्यों अच्छी है और क्यों बुरी है ना। तो इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए कि आप लोग समझ पाए कि वो काम भी ऐसे, ये क्यों ऐसे इन कुंडलियों में काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास भी हैं जिनमें राहु केतु एक्सेस नहीं है, तिथि लोड कर राहु केतु एक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी शादी का दिक्कत है, उनका अपना अलग एक्सपीरियंस, वो निकालना पड़ता है, उसके भी सूत्र हैं। लेकिन जब तक हम राशियों को और ग्रह कैसे काम करते हैं, और हर एक के लिए ऐसा नहीं है कि सभी कुंडलियों में मंगल पापी ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। लग्न के हिसाब से भी तो ग्रह चेंज होते हैं, आपको कुछ ग्रह फल दे रहे होते हैं और कुछ ग्रह फल नहीं दे रहे होते हैं। तो अगर वो सब अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगे हम लोग, तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हम पंचांग को समझने क्या आए हैं यहाँ पर, है ना। तो इसलिए मैंने जानबूझ के वही एग्जाम्पल लिए, जो एग्जाम्पल आप एक सेकंड में समझ पाए कि मैं समझाना क्या चाह रही हूं, कि एक तिथि का स्वामी अगर राहु केतु एक्सेस में आ जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सूत्र, अगर मैंने ये बोला है अभी कि राहु केतु एक्सेस में आ जाए, और अगर हम सभी कुंडलियों को देखें, और कई बार ऐसा भी होगा आप लोगों के सामने कि राहु केतु एक्सेस में तिथि का स्वामी है पर शादी अच्छी है ना, वो चीजें हम, क्योंकि हर एक सूत्र का डिनायल भी होता है। आप कोई भी कुंडली उठाइए, किसी भी सूत्र का, हमेशा एक सूत्र का, लेकिन इस सूत्र को मैं कह रही हूं 70 से 80% ये लगता है, मैंने देखा इतने चार्ट में, ठीक है। तो हर एक सूत्र का एक डिनायल भी होता है, एक्सेप्शनल भी होता है, लेकिन समझाने के रूप में एक फर्स्ट क्लास, आप किसी भी कहीं भी आप पढ़ने जाएंगे, आपको नेचुरल है, आपको अगर इंग्लिश ही सीखने जाते हैं तो आपको एबीसी से ही सिखाया जाएगा, आपको सीधा सीधा आपको ग्रामर या सीधा आपको सेंटेंस बनाने नहीं सिखा दिए जाएंगे। तो सेम वैसे ही मैं यहाँ पे इसको लेके चल रही हूँ कि कैसे हम एक सिर्फ एक सूत्र से कैसे उसको निकाल पाते हैं और कैसे कुंडलियों पे अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सबको ये रहता है कि प्रिडिक्शन करना आ जाए, प्रिडिक्शन करना आ जाए, उनको कैलकुलेशन करना तो आजकल बहुत दूर की बात है, लेकिन प्रिडिक्शन सभी चाहते हैं। तो 5 या 6 दिन में आपको इतना मोटा मोटी एक किसी के भी जीवन की, किसी के भी कुंडली, एनी कुंडली आप उठाइए, किसी के भी जीवन को मोटा मोटा उसका जीवन कैसा चल रहा है वो बताना आ जाएगा 5 या 6 दिन में। माइनर इवेंट, माइनर उनके जीवन में क्या चल रहा है, रिसेंट उनके जीवन में क्या चल रहा है, देखिए वो एडवांस लेवल पे आता है। लेकिन छोटा, एक छोटे से लेवल में हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसको आज हम समझ लेंगे यहाँ पर। सर हैंड रेस को अभी कर लूँ? हाँ ले सकते हैं। हाँ हमने हैंड रेज किया, पहले तो अपना नाम आप उसको रीनेम कर लीजिए, YK। हाँ सॉरी सर, मेरा नाम योगेश्वरी है, और जी मेरा यही बस, सवाल है आपसे। मतलब जो भी लोग एकादशी या षष्ठी तिथि में पैदा हुए, उन सब, मतलब उन सब के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है तिथि के अनुसार, राइट? ये आप गलत समझे। अच्छा अगर हाँ, एकादशी पे मैंने एकादशी के स्वामी के साथ राहु केतु आपको बिठाई दिखाई है यहाँ पर, खाली मैंने एकादशी का स्वामी मंगल या षष्ठी का शुक्र नहीं लिया है। ऐसे तो फिर जो भी इन तिथियों को हर 15 दिन से षष्ठी आती है और हर एकादशी से वो आती है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, उन वो खराब होने चाहिए। मतलब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि कोई बेसिक पढ़ते हैं कि अगर सब शादी खराब है तो सप्तम या सप्तम का स्वामी खराब होना चाहिए शुक्र, वैसे ही एकादशी का स्वामी जो बनता है मंगल, वो खराब होना चाहिए, दिक्कत में आना चाहिए, अनकंफर्टेबल पोजीशन में आना चाहिए, पापी होना चाहिए,
तो ये इसमें बात योगेश्वरी जी, इसमें क्या है कि इसमें एक लाइन मैं भी ऐड कर देता हूँ पूनम जी ना, कि आपने कृष्ण एकादशी हमने समझा, उसका लॉर्ड है मार्स, ठीक है। तो पूनम जी क्या कर रही है वहां पे चार्ट में, कि वो देख रही है कि मार्स जो है कुंडली में, आप देखते हो मार्स यहाँ केतु के साथ है ना योगेश्वरी, आप अगर हाँ जी, अनम्यूट, हाँ आपको दिख गया यहाँ मार्स देखो केतु के साथ हाँ है ना। ये जो हाँ केतु की होने की वजह से यहाँ पर मार्स स्पॉइल हो रहा अच्छा है ना। अगर अगर आप किसी और की कुंडली में अगर केतु नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई शुभ ग्रह साथ में होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ही गड़बड़ नहीं करेगा ना। तो अभी आने वाली क्लास में इसको भी हम लोग समझेंगे कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं, कौन से बुरे देते हैं, किन कंडीशंस पर देते हैं। यही तो हम आगे पढ़ना है ना। तो अभी के लिए समझाने के लिए आपको वही चार्ट हम दिखा रहे हैं जहां पर वो या तो राहु या केतु के साथ हो, तब वो रिजल्ट बिगड़ता है, ठीक है। एक सिंपल सा इसमें हम एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तिथि लोड को हमने शादी का एक के रिलेशनशिप को बना दिया, ठीक है। उसके स्वामी मंगल है, आप अपने आप पे ले लीजिए। अगर आप किसी रूम में अकेले बैठे हैं तो आप उतने ही कंफर्टेबल बैठे हैं, और आपके सामने किसी नेगेटिव जिसको आप पसंद नहीं करते हैं या आप जिसको जानते नहीं है ऐसे इंसान को बिठा दीजिए, क्या आप उतनी अच्छे से बात कर पाएंगे, क्या उस अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सेम थिंग यहाँ एक ग्रह के साथ भी आती है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे आप लोगों के लिए सिंपल रखने के लिए समझाया कि एकादशी का स्वामी मंगल है और राहु केतु के साथ आ रहा है, उसकी वजह से दिक्कत है कि वो राहु केतु के साथ में आ रहा है। अकेला एकादशी का स्वामी दिक्कत नहीं देगा, मैं आपको भी एक चार्ट और दिखा देती हूँ, आप उसमें समझ जाएंगे। वो भी कृष्णा षष्ठी का ही उनका जन्म है, उनका भी शुक्र स्वामी है। उस चार्ट को मैं आपको दिखाती हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं एक ही तरह के एग्जाम्पल आपको क्यों दिखाना चाह रही हूँ। मैं वापस एक चार्ट शेयर करती हूँ, मतलब आप लोग ये समझिए कि इस पंचांग का कोर हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिडिक्शन में लेके आ सकते हैं। बेसिक ये है कि उसका स्वामी खराब होना चाहिए, उसका स्वामी अफ्लिक्शन में आना चाहिए, यही बेसिक है इसका। तो मैं एक चार्ट और आपको, मैं एक चार्ट, मैंने इसको ओपन नहीं कर रखा, एक मिनट दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी की अपने पास, हम लोगों के पास जो भी चार्ट आएगा उनकी शादी खराब होगी और वही चार्ट दिखाएंगे यहाँ पर। आप, मैं अब शेयर करती हूँ स्क्रीन, एक मिनट। हाँ, इनकी है शुक्ला चतुर्दशी, मुझे षष्ठी आती इनकी कुंडली है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्वामी कौन बनता है शुक्ला चतुर्दशी, इनका भी शुक्र बनता है। आप शुक्र की पोजीशन चार्ट में देख लीजिए, अगर क्लियर दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकती हूँ। शुक्र की पोजीशन देख लीजिए चार्ट में कैसी है, वो कौन से ग्रह के साथ में बैठा है। मैंने यहाँ राहु केतु एक्सेस वाला ग्रह नहीं लिया है, कुंडली नहीं ली है। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था प्लीज आप बता दीजिए कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी है। आई थिंक आई योगेश, थिंक वो योगेश्वरी जी थी हाँ तो। योगेश्वरी जी थी। योगेश्वरी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप ये चार्ट में आप खुद प्रिडिक्ट कर लीजिए कि ये शादी मैरिड लाइफ कैसी है। हाँ, शायद नहीं है इसमें। अगर कोई और भी अगर बताना चाहता है कि इस चार्ट में मैरिड लाइफ कैसी है, सिर्फ एक दो एग्जांपल्स अगर आप क्लियर कर सकते हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ मर्क्यूरी के साथ वीनस है तो मरकरी पाप ग्रह में, मरकरी काफी हद तक पाप ग्रह में नहीं आता, उसका एक सूत्र है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी हाँ इस, हाँ तो इनकी मैरिड लाइफ आप बता सकते हैं योगेश्वरी जी कैसी है। हाँ अच्छी है, शायद जी, अच्छी है। मैं यही हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ जी, हाँ मैं हाँ आपको यही समझाना चाह रही थी। ठीक है, हिसाब से देखते हैं तो हम खराब नहीं है अगर सिर्फ इसी से देखते हैं, क्योंकि ना उसमें राहु केतु का कोई उनके अंदर रोल नहीं आ रहा है।
आपको यहाँ पे आपका सूत्र यही है कि आपको तिथि के हिसाब से देखना है, और सूत्र तो हम भी अप्लाई कर लेंगे, आप भी अप्लाई कर लोगे, लेकिन यहाँ पे सूत्र एक ही आया है कि आप प्लीज तिथि देखिए, आप इधर उधर मत जाइए। ये इतनी अच्छी मैरिड लाइफ के अंदर आती है कि लोगों को ये एग्जाम्पल चार्ट देना चाहिए मुझे, ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मेरा मैंने राहु केतु एक्सेस क्यों लिया, ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है, तो इसके साथ मैं एक दो मैंने फेमस चार्ट आपको दिखा दिए, नॉर्मल लोग एक नॉर्मल चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, इस चार्ट को आप देखिएगा, आप ही प्रिडिक्ट करिए, मुझे इसमें नहीं समझाना कि कैसे निकाला जाता है। मैम मेरा भी वीनस मर्क्यूरी साथ में है इन 10th हाउस। वीनस हैज हायर ट्रिकरी। अगर आप अपना मैरिड लाइफ में बता सकते हैं तो बता दीजिए अपना एक्सपीरियंस, अगर आप बताना चाहते हैं। नहीं हाँ मैम, तो मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वो साथ में दिखा, फिर मुझे मेरा याद आया कि मेरा भी साथ में ही है वीनस एंड मर्क्यूरी। तो आपको खुश हो जाना चाहिए फिर तो। ठीक है, तो हम एक चार्ट और लेते हैं यहाँ पर, उसमें भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, चार्ट बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हैं। एक क्या होता है, जब भी हम पढ़ने लगते हैं ना एस्ट्रोलॉजी को, तो हम एक थीम में लेके चलते हैं और एक सीक्वेंस लेके चलते हैं, तो हम समझ सकते हैं उस चीज को। लेकिन हम लोग एक पैर तो उधर लगाएंगे कि सब इधर और एक उधर लगाएंगे, तो फिर हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए आपको एक सिंपल बेसिक रूल यहाँ पे दिया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं शुक्ला द्वादशी, आप लोग को सबको तिथि दिख रही होगी, उसका स्वामी बनता है बुध। आप चार्ट में बुध देख लीजिए, राहु के साथ है। राहु सन मार्स और के साथ में बैठा है, राहु केतु एक्सेस में है, पिछले 6 साल से इनका डिवोर्स का केस चल रहा है। ठीक है, तो ये आप जितने भी चार्ट लगाए, जितने भी चार्ट लगाए उनमें आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हम लोग को बेसिक चीज मिल रही है, कि हम लोग बेसिक उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके और भी पॉइंट्स होते हैं कि वो मित्र राशि में है, शत्रु राशि में, आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो हम अभी आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी चीजें हैं। लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी ग्रह जब पाप प्रभाव में आता है तो अपने फल कैसे वो देता है, उसको हमने यहाँ पे दिखाया है कि तिथि के, सिर्फ एक तिथि के स्वामी से, जिसको जनरली लोग यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं करती हूँ, जब भी मैं चार्ट किसी का देखती हूँ सबसे पहले मैं तिथि का स्वामी को लिखती हूँ कि तिथि का स्वामी कौन है। तो आप लोगों को याद भी होने चाहिए कि तिथि का स्वामी बनता कौन है, वीकडेज में। मैम, इज इट एप्लीकेबल फॉर मैरिज पर्पज ओनली? हाँ, ये मैंने आपको क्या बोला, मैंने पहला सूत्र ये दिया था आपको कि कभी भी पंचांग कब काम करता है, किसी भी पंचांग की बुक में है, उसमें आप पढ़ लीजिए कि पंचांग काम जब करता है जब कुंडली के अंदर राहु, सॉरी, सूर्य और चंद्रमा बली हो। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा से ही पूरा पंचांग बनता है। तिथि किससे बनती है? सूर्य चंद्रमा अगर कुंडली में बली है, अच्छे बैठे हैं, तो तिथि का पंचांग उस पर काम कर जाता है। बहुत सारे चार्ट मेरे पास भी हैं जिनमें ये काम नहीं करता, क्योंकि हर चार्ट का एक्सेप्शनल होता है, खाली उसके साथ आप सब बहुत सारी चीजें हम और भी देखते हैं, लेकिन सूत्र जब लगाया जाता है तो उसका तरीका बता दे दिया जाता है। आप और भी चार्ट पे ट्राई कीजिए, आपके चार्ट पे नहीं कर रहा, मैं भी करती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे चार्ट है, लेकिन आप और चार्ट देखिए क्या उनपे वो वैसे ही लग रहा है। तो मैंने आज एक सिंपल सा एक टेक्निक आपको बताने की कोशिश की कि तिथि को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं। आप इनको जरूरी नहीं है कि फेमस सेलिब्रिटी चार्ट पे लगाएं, आपके पास जो भी चार्ट है उन पे लगाने की कोशिश कीजिए, उनको लिखने शुरू कीजिए कि कैसे वो लगते हैं। और जरूरी जरूरी नहीं कि हर चार्ट में राहु केतु एक्सेस में ही तिथि का स्वामी आएगा तो वो काम करेगा, उसके अलावा भी वो काम करेगा, उसके अलावा भी आपको वो प्रिडिक्शन देगा, बताएगा कि शादी का कैसी है शादी। ठीक है विनायक ठीक है। सर, हाँ तो अभी सर जो, एक्सेस, हाँ जी,
मैं ये पूछना चाह रहा था, जो ये फल बताया आपने राहु केतु एक्सिस का और पंचांग से, तो क्या केवल मैरिज के लिए ही देखेंगे पंचांग को, या और भी इसका यूज रहेंगे पंचांग हाँ, में? पंचांग में तिथि को हम, मैंने आपको एक स्लाइड भी दिखाया कि तिथि को हम सिर्फ मैरिज में मैंने क्यों लिया इसको, आप रिलेशनशिप, क्योंकि तो तिथि का बनती कैसे है, तिथि सूर्य चंद्रमा की दूरी से बनती है, कैलकुलेट वो वैसे होती है कि सूर्य चंद्रमा जैसे जैसे, सूर्य से चंद्रमा जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे तिथि का निर्माण होता है, तो आप उससे हम तिथि बनाते हैं, तो तिथि से रिलेशनशिप, सभी के रिलेशनशिप देखे जाते हैं, ठीक है। आप तृतीय भाव के स्वामी से देख लीजिए, अपने सिबलिंग्स के साथ देख लीजिए, फादर के साथ में देख लीजिए, उसको निकालने के और भी तरीके हैं, नाइन्थ के फादर के साथ रिलेशन देख लें, नाइन्थ लॉर्ड से उसकी सिचुएशन देख लीजिए, आप माता से निकालना चाहते हैं फोर्थ लॉर्ड से उसकी सिचुएशन देख लीजिए, हम सभी देख सकते हैं तिथि से, हम मेंटल हेल्थ देख सकते हैं कि एक नेटिव की मेंटल हेल्थ कैसी, क्योंकि पक्ष बल से हम चंद्रमा का स्ट्रेंथ निकालते हैं ना, तो ये पक्ष बल ही है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पर है, और तीसरा चीज हम मेंटल सेटिस्फेक्शन इससे देख सकते हैं, ये तिथि के इन चीजें से देखी जाती है, कुछ लोग तिथि से वेल्थ को भी देखते हैं क्योंकि वो जल तत्व को लिक्विड कैश मानते हैं, तो कुछ लोग उस तरह से, लेकिन मैं जिस तरह से इसको यूज करती हूँ रिलेशनशिप के लिए, मैं ज्यादा इसको यूज करती हूँ, उसको मैंने यहाँ पे आपके एक्सप्लेन करके दिया है कि रिलेशनशिप को कैसे देख सकते हैं। और तिथि के लोग और भी यूज करते हैं, कुछ लोग इसको ना सस्टेनेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी कुलदीप जी, उसका आंसर ये है कि पंचांग में अभी सिर्फ इन्होंने तिथि का एक एप्लीकेशन बताया है। ठीक है, तिथि के और भी प्रयोग हो सकते हैं, बट पंचांग में तिथि के अलावा जो बाकी जो अंग है ना, वार है, योग है ना, आपके करण हो गए, नक्षत्र हो गए, ये सभी लाइफ के अलग अलग एरिया पे अपने प्रभाव डालते हैं, है ना। अभी कल की क्लास में हम जब दूसरा एलिमेंट लेंगे, तो वहां पर आपको एक दूसरी चीज आपको बताएंगे वहां पर। फिर हो सकता है कल कल पूनम जी हम क्या करने वाले हैं तिथि के बाद, वार ले सकते हैं कल हम वार जी, लेंगे, है ना। तो वार, वार मतलब वीकडे, है ना। वीकडे, जैसे आज हमारा क्या है, मंगलवार, हाँ जी, है ना। तो कल ये मंगलवार, तो मंगलवार के दिन कोई अगर पैदा होता है तो उसको कैसे यूज करा जाए, तो उसका कल पूनम जी डिस्कस करेंगे। कर तो आज जैसे मैरिज के लिए, कल हो सकता है लाइफ की किसी और एरिया के हम डिस्कस करें। तो पंचांग के पांचों जो अंग हैं, वो अलग अलग तरीके से आप श्लोक को प्रेडिक्शंस के लिए हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। करेक्ट, तो ये आपको समझ में आ गया कुलदीप जी? ठीक है, तो ऐसे इसको यूज जी होगा। सर, जी हाँ, सर, तो जी सर, इसका एप्लीकेशन सिर्फ मैरिज के रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके और भी प्रयोग है। दूसरी जी चीज की आज सिर्फ आपको एक ना डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि राहु केतु के साथ इजीली हमने बताया, ठीक है, बट ये इतना आसान नहीं होता हर बार। जब आप इसको प्रैक्टिकल, जब आप कंसल्टेशन देने के लिए कल को अगर जब प्रिपेयर होंगे आप, तो यही प्लैनेट किसी ग्रह और ग्रह के साथ बैठेगा तो अलग तरीके से काम करता। हो सकता है किसी ग्रह के साथ ना बैठा हो, अकेला एक एक राशि में बैठा हो, वो इंटरप्रिटेशन करना आपको आना चाहिए। तो वो राशि के साथ उसका कैसा वो बिहेव करेगा, उस भाव के साथ वो कैसा काम करेगा, है ना, ये सब हमको समझना चाहिए। तो इन सभी के बेसिक्स हम लोग अपने ना ये 5-6 सेशंस में करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो एट द एंड जब आप पूरा ये पंचांग आप सीख लेते हैं, इनके बेसिक्स, फिर जब राशि ग्रह आप भाव को सीख लेंगे, तो फिर आप इस पंचांग को आप अपने अकॉर्डिंग हर जगह आप इसको लगा सकते हो, है ना। तो फर्स्ट स्टेप है कि आइडेंटिफाई करना चार्ट में। देखिए, पंचांग एक ऐसे ही सब्जेक्ट है ना, जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। अभी भी क्लास में हमारे कुछ एडवांस स्टूडेंट्स भी होंगे, वो खुद बता सकते हैं कि पंचांग वो शायद ही यूज करते हैं, क्योंकि हम एक तो पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, बट आपको बता दूं, पंचांग एक ऐसी चीज है, जब कुंडली आपके हाथ में आती है, सबसे पहली चीज हमें पंचांग ही देखना चाहिए। आपको पंचांग दोष आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। पंचांग दोष अगर निकला, तो आपकी जो जर्नी है ना, वो वहीं से स्टार्ट होनी है। अगर शुरू में ही कुछ अगर ब्लैक स्पॉट है, कुछ ब्लॉकेजेस कुंडली में हमें दिख गई आपके जीवन में, है ना, तो आपके आगे की सारा जो आपका लाइफस्टाइल, आपका आगे सारा जो जीवन का जो पूरा दिशा है ना, वो उसी के बेसिस पे ही निर्धारण होता है। इसीलिए पुराने टाइम के जो आपके पास जो हाथ से लिखी हुई कुंडलियां होंगी घर में, आप देखिएगा, है ना, कुछ लोग रोल करके रखते हैं, कुछ पुरानी बुक्स में जो लिखे होते हैं ना, जो हैंड रिटन वाले होते हैं, तो उसमें देखिएगा सबसे ऊपर जो दिया रहता है ना, पंचांग डिटेल्स ही दिए रहते हैं।
ये कौन से वार में कौन से करण में सब डिटेल दिया रहता है, क्योंकि बहुत बेसिक है वो। आप ये समझो कि जैसे मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल का जो हार्डवेयर है ना बेसिक, वो ये चीज है। इसी इसके बेस पे फिर बाकी सारी कुंडली हमारी स्ट्रक्चर होती है। दशाएं रिजल्ट अपना देंगी, है ना, उस वो किन लिमिटेशंस पे रिजल्ट देने वाली है, वो लिमिटेशन ही पंचांग तय करेगा। इसीलिए बहुत बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बट इसका एप्लीकेशन लिमिटेड नहीं है, ये तो बस अभी आपको ना एक क्या बोलते हैं आइसबर्ग का एक टिप दिखाया जा रहा है आजबर्ग, ठीक है। बट इसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ पूनम जी, कुछ आप बता दीजिए। नहीं सर, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, पंचांग बहुत मतलब इनके जो तत्व हैं, तत्वों के बेस पे इनका यूज बहुत ज्यादा है। आप किसी भी वे में इसको कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये एकदम जैसे सर ने बोला कि एकदम पॉइंट वन है, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको शुरू कैसे करना चाहिए पंचांग को यूज करना, कि शुरुआत कैसे करें। नेचुरल है, हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो शुरुआत करनी तो आनी चाहिए ना। आज का दिन वही है कि हम उसको शुरू कैसे कर रहे हैं, उसको यूज कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, और पंचांग देखो मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों के कि पंच अंग, ठीक है, दो शब्दों से मिलके बन रहा है। पंच मतलब फाइव, अंग मतलब ऑर्गन, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो जो टाइम के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। पता है कि सारा हमारा जो जीवन है वो पंच तत्वों पर ही चलता है। तो ये जो पांच अंग है ना, ये उन्हीं तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जब जन्म हुआ तो ये पंच तत्वों को जो कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है, उसी के बेसिस पे आपका जीवन आगे फिक्स होना है। पर इसलिए पंचांग है बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या करोगे आप लोग ना, कि आप एक और ये एज असाइनमेंट या होमवर्क आप लोग समझो कि इस क्लास के बाद ये जो भी बताया पूनम जी ना, इसको आप देखो बाकी चार्ट्स में भी, ठीक है। आप अभी क्या है कि अगर आप लोग ज्योतिष सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो एक और प्रैक्टिस आप लोगों को आज से ही करनी पड़ेगी, वो ये है कलेक्शन ऑफ हॉरोस्कोप, ठीक है। आपके आसपास के कुंडलियां आप इकट्ठे करो, उनके इवेंट्स आप नोट डाउन करो, उनके जीवन में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं, तो क्लास में आप लोगों के काम आएंगे। तो ऐसे ही आप हॉरोस्कोप आइडेंटिफाई करो जहां पर उनका तिथि लॉर्ड राहु या केतु के साथ हो, तब देखो कि कितने चार्ट्स में काम करता है। अगर मैक्सिमम चार्ट्स में काम करता वो मिलेगा ही, ठीक है। कुछ चार्ट ऐसे भी होंगे जो काम नहीं करता होगा, तो वहां कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है, ठीक है। तो वो भी हम लोग आगे इसमें सीखेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आया। एक और असाइनमेंट, छोटा सा असाइनमेंट। पहला असाइनमेंट आपको मैंने बताया कि 18 प्रवर्तक के नाम, है ना। इसके अलावा आप क्या करना कि आज हम पंचांग पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि अलग अलग पंचांग मार्केट में मिलते हैं। किसी को भी पंचांग का नाम याद है, कोई भी पंचांग जो आपने सुना हो आज तक? दाते दाते पंचन चन्मा दाते पंचांग, ठीक है। और कोई पंचांग किसी को याद है? कोप्पल, भूमि जन्मभूमि पंचांग, पंचांग, ट्वेंटी किशोर कोप्पल, किशोर धोत्री पंचांग। तो आप क्या करना कि थोड़ा सा इसके बारे में आप देखिए, और देखिए कम से कम 10 पंचांग के नाम आप आइडेंटिफाई करें, ठीक है। वो पंचांग कहाँ से, मतलब देखिए अभी जो दाते पंचांग उन्होंने नाम लिया, ठीक है, और जन्मभूमि पंचांग है ना, काशी विश्वनाथ पंचांग, ये कुछ ऐसे पंचांग है जो फेमस है, ठीक है। तो इन पंचांग के नाम भी आप निकालें और देखिए कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। हालांकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो उस पंचांग में बहुत सारी और चीजें दी हुई हैं, पर एटलीस्ट आप जब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए आपके क्या चीज आप डील कर रहे हैं। ये जो पंचांग है इसमें आपको डेली आपको मुहूर्त मिलते हैं, ठीक है। पूरे पूरे वर्ष भर में जितने भी आपके फेस्टिवल्स आ रहे हैं, वो तिथि कब उदय हो रही है ना, सूर्य उदय कब हो रहा है, वो सब डिटेल्स आपको पंचांग में दी जाती है, ठीक है। बहुत से पंचांग अलग अलग राज्यों से पब्लिश हो रही हैं, सब में आपको डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू करो, बट यहाँ हम जो आपको करा रहे हैं ना, ये प्योरली पंचांग के वो फैक्टर्स हैं जो आप बर्थ चार्ट में आप लोग यूज करोगे, ठीक है। बट पंचांग के एप्लीकेशन इतना नहीं है, ये आगे मुहूर्त शास्त्र में इसका बहुत यूज होता है। हाँ अभी राम जन्मभूमि का उद्घाटन जो उनका हो रहा है, उसके लिए भी मुहूर्त निकाला गया है, पता होगा आप लोगों को।
भूमि पूजन हुई थी उसके लिए भी मुहूर्त था, वो जो मुहूर्त निकालने के जो पैरामीटर है ना वो भी पंचांग से ही निकलते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा इसके बारे में आप देखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, है ना। ये हमारी आज की क्लास थी, छोटी सी क्लास। कल सेम टाइम पे क्लास होंगी, सेम जूम लिंक रहेगा, जूम लिंक चेंज नहीं होगा, तो वही जूम लिंक आप लोग कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जूम लिंक आप लोग सेव करके रखे हैं, तो अभी सारी क्लासेस सेम जूम लिंक पे। हाँ प्रतीक जी, Vinayak sir, do we रिकॉर्डिंग get the recording of these classes as well? ऑफ क्लासेस वी विल अपलोड ऑन यूट्यूब, ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग, सो कंप्यूटर, ये आ ओके, जाएगी, थैंक यू, तो वहां से आपको मिलेगी, थैंक यू सर। ठीक है। सर आई जस्ट हाँ वांट टू नो व्हाट इज इट मैं कि वो राहु केतु एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते, जो मैम कह रही थी। नहीं, ये इन्होंने देखिए अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं जाते, मैं आपको इजीली तरीके से बताते हैं इन्होंने क्या किया है कि कोई भी प्लैनेट राहु केतु के साथ है ये वो बोलेंगे, ठीक है। जैसे ओके हम आपने जो तिथि में जो प्लैनेट हमने आइडेंटिफाई किया लाइक मार्स आया, ठीक है, वो करेक्ट राहु केतु के साथ है तो वो चीज उन्होंने समझ ली, ठीक है। ओके सर थैंक यू। ठीक है, और किसी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज ज्योतिषमती एंड ये पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट टुमारो जूम लिंक, टुमारो जूम लिंक इज सेम, ओके, यू कैन ज्वाइन विद द सेम पीपल, यस सर दैट आई पोस्टेड बिफोर यू टेलिंग दैट वन। ओके ओके, नो इशू। सो आई होप एवरीबडी लाइक टूडेज क्लास, सो एनी फीडबैक और एनी क्वेरीज और एनी सजेशंस, सजेशंस तो अनम्यूट करके बोला जा सकता है, जो ना इतना तो आदमी को करना चाहिए, ठीक है। इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव सर। हम लोग काफी मतलब पढ़ते हैं सुनते हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें इन्होंने जो एक्सप्लेन किया नो, हम चार्ट में उतनी बारीकी से इम्पोर्टेंस देते नहीं है, तो अभी इतना छोटा सा पॉइंट था लेकिन काफी इफेक्टिव है वो, किस तरह हमारी लाइफ में काम करता है, हम इतना उसमें इम्पोर्टेंस देते नहीं है, तो इट वॉज डेफिनेटली वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझाया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। अच्छा बहुत लोग इसमें बुक्स का रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं, बुक्स मैं आपको कल रिकमेंड करूंगा, कल या परसों। फिलहाल पंचांग के ऊपर जैसे मैंने बताया कि एज सच कोई बुक नहीं है ना जो करा जाए, तो इसलिए जो भी क्लास में कराते हैं आप कल उतना करिए, बाकी हम आगे कराएंगे, ठीक है। बिगनर्स के लिए अगर आप बुक आप देख रहे हैं तो मैं बिगनर्स के लिए आपको मैं बुक अभी फिलहाल मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ज्योतिष रत्नाकर नाम की बुक है हिंदी, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज्योतिष रत्नाकर MLBD पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रीति कह रही है कि पूनम जी ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरह नॉलेज दी, तो थैंक यू पूनम जी वंस अगेन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल हम लोग वार पढ़ेंगे, पंचांग का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। सेम टाइम पे सब मिलते हैं, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।